अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर साइंस का, डाटा टाइप्स असाइनमेंट्स एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, उस असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ना है, कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये बेसिकली क्या है। सबसे पहले जो बेसिक लैंग्वेज थी वो सबसे पहले जॉन कमी ने और थॉमस कर्टस ने 1963 डर्मट कॉलेज USA में लॉन्च करवाई थी, बनाई थी। यानी कि जो हमारी सबसे पहली लैंग्वेज थी वो 1963 में USA के डर्मट कॉलेज डर्टमाउथ कॉलेज में किसने डेवलप करवाई थी, जॉन कमी ने एंड थॉमस कर्टस ने। उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रक्शन टूल ईजाद किए थे, यानी कि ऐसे टूल्स को ईजाद किया था जिसके लिए जो कि स्टूडेंट्स के लिए आसान थी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। यानी कि प्रोग्रामिंग को समझने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे कोर्स तैयार कर दिए थे जो कि एक स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आ जाए। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पुरानी लैंग्वेज के जो इश्यूज़ थे ना उनको ख़त्म करके एक नई लैंग्वेज को ईजाद किया था। यानी कि जो पुरानी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होते थे उनको उन्होंने कंप्लीट ख़त्म कर दिया था। आगे जो GW बेसिक थी वो बेसिक्स के लिए थी, इंटरप्रेटर थी। बिगनर्स आर प्रोसेस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कॉल लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें बहुत से ट्रांसलेटर इस्तेमाल होते हैं जिसमें से जो कंपाइलर है, कंपाइलर इंटरप्रेटर है जो कि बेसिकली जैसे विंडोज सच एस क्यू बेसिक है विच प्रोवाइड एज मैन्यू ड्राइवर एनवायरनमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। ये पैराग्राफ में वो कह रहा है, सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है GW बेसिक इज इंटरप्रेट फॉर बेसिक बिगिनर आर पर्पस सिंपली इंस्ट्रक्शन कॉल लैंग्वेज। कि GW बेसिक है वो एक बेसिक लैंग्वेज है, इसके बहुत ही ट्रांसलेटर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर है फॉर बेसिक फ्रॉम डिफरेंट विंडोज सच एस क्यू बेसिक क्विक बेसिक विच प्रोवाइड अ मीनू ड्रिवन एनवायरनमेंट टू राइट एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम। वो कह रहे हैं इसके बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटर हैं जिसमें से एक इसका ट्रांसलेटर कौन सा था, कंपाइलर कौन सा, क्यू बेसिक जिसके क्विक बेसिक आते थे जो कि एक बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट हमें मुहैया करता था हमारे प्रोग्राम को राइट करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। खैर हम जो इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं वो GW बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लैंग्वेज है और एक आसान माहौल हमें मुहैया करती है इस अपनी प्रोग्रामिंग को करने के लिए। ये इंट्रोडक्शन था। अब मोड ऑफ ऑपरेशन है, मोड ऑफ ऑपरेशन GW बेसिक कैन ऑपरेट इन टू मोड। जो GW बेसिक है उसके दो मोड होते हैं, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड। जब हम GW बेसिक को लोड करवाते हैं तो हमारे स्क्रीन पे ओके का मैसेज शो होता है। एट दिस स्टेज इट इज़ इन इनडायरेक्ट मोड। जब हम GW बेसिक को लोड करते हैं तो हमारी स्क्रीन पे ओके का मैसेज आता है ना, तो उस वक्त जो हमारी GW बेसिक होती है वो डायरेक्ट मोड में होती है। इनडायरेक्ट मोड GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि जो GW बेसिक कमांड होती हैं उनको टाइप करते ही हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, यानी कि जैसे हम उन्हें टाइप करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। रिजल्ट ऑफ अर्थमैथिकल लॉजिक ऑपरेशन कैन बी डिस्प्ले इमीडिएटली। उनका जो रिजल्ट है, जो अभी हम वहाँ पर अर्थमैथिक ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन इस्तेमाल करें, उसका जो रिजल्ट है वो इमीडिएटली फौरी तौर पर हमें हमारी डिस्प्ले पर शो होगा, हमें नज़र आएगा। रिजल्ट एमसल आर लोस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन। इसमें एक खराबी थी कि उसका जो रिजल्ट था एग्जीक्यूशन के बाद ख़त्म हो जाता था, खो जाता था। यानी कि फॉर एग्जांपल कि आप लोगों ने GW बेसिक पे कोई नंबर प्रिंट करवाया, जैसे कि आप लोगों ने प्रिंट करवाया 4 / 2, यानी कि 4 को डिवाइड कर दो 2 से। आप जैसे आप ये एंटर करेंगे ना, टाइप करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो 4 नहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब आप इसकी की ढूंढेंगे जाके ना, इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, बाद में जाकर आप अपना कोड ढूंढेंगे या प्रोग्राम ढूंढेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। इसमें ये खराबी थी। दिस मोड इज़ यूजफुल फॉर डिबगिंग एंड फॉर क्विक कंपटीशन दैट डू नॉट रिक्वायर अ कंप्लीट प्रोग्राम। इस मोड में बहुत सारे एरर्स मिलते थे जिसमें हम अपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं थे कर पाते, ठीक है। आगे ये डायरेक्ट मोड था। डायरेक्ट मोड के बारे में फिर सुन ले कि डायरेक्ट मोड GW बेसिक में जैसे हम कोई प्रोग्राम टाइप करते थे तो उसका जो रिजल्ट था वो इमीडिएटली स्क्रीन पर शो हो जाता था। जैसे रिजल्ट शो होता था इसकी एग्जीक्यूशन होती थी, उसके बाद इसका इसकी कीज थी, इसके जो कोड्स थे, इसकी जो कमांड्स थी वो खो जाती थी, यानी कि गुम हो जाती थी, हम उसको नहीं ढूंढ पाते थे। इसमें अगर हम कोई कंप्लीट प्रोग्राम इसमें हम नहीं बना सकते डायरेक्ट मोड में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरर आ जाते हैं। आगे इनडायरेक्ट मोड।
द इंटरेक्ट मोड यूज टू टाइप प्रोग्राम्स, जो इंटरेक्ट मोड है उसको प्रोग्राम्स की टाइप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑलवेज प्रीसीडेड बाय लाइन नंबर एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, जो प्रोग्राम स्टेटमेंट होती है उनको हमेशा लाइन नंबर के साथ प्रोसीड किया जाता है, यानी कि कोई भी हमने प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखनी है सबसे पहले उसका लाइन नंबर आएगा, लाइन नंबर 10 के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, फिर लाइन नंबर 20, फिर लाइन नंबर 30, फिर लाइन नंबर 40। और ये जो सारा कुछ है ये किस में स्टोर होता है, हमारी मेमोरी में। मेमोरी कौन सी है, रैम रोम में। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड, हमने अगर अपने प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाना है तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड दबानी पड़ेगी, रन कमांड दबानी पड़ेगी, यानी कि हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है जो कि हमारी मेमोरी में लोड है उसके लिए हमें कौन सी कमांड प्रेस करनी पड़ेगी, रन कमांड। एक प्रोग्राम में छोटा सा लाइन नंबर 10 पर उसने क्या लिखा, प्रिंट 786 डिवाइडेड बाय 3। लाइन नंबर 20 पर उसने कहा प्रिंट वेलकम टू GW बाय 6। लाइन नंबर 30 पर उसने एंड कर दिया हमारा प्रोग्राम। अब उसने रन करा तो उसका आंसर क्या आया कि 262 उसका आंसर आया और स्क्रीन पर क्या शो आया, वेलकम टू GW बेसिक। ठीक है, इसमें वो कह रहा है GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड, दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रोसीडिंग लाइन नंबर। GW बेसिक कमांड है वो एक बहुत ही ऑपरेटेड लैंग्वेज है, डायरेक्ट मोड में एक बहुत ही एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑपरेट की गई है, यानी कि डायरेक्ट मोड में इसके लिए कोई प्रोसीडिंग लाइन नंबर नहीं चाहिए। इसमें डायरेक्ट मोड में हमने जो लिखते हैं उसमें उसी तरह हमारी हदायत पर अमल करते हुए हमें जो प्रोग्राम टाइप करना उसमें उसको फौरन रिजल्ट दे देना, उसमें उसको कोई भी लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। इन GW बेसिक स्टेटमेंट आर रिटन एज अ प्रोग्राम एंड स्टेटमेंट इज प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर, के इंटरेक्ट मोड में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं और हर स्टेटमेंट के लिए हमें कोई ना कोई लाइन नंबर प्रोसीड करना पड़ता है। डायरेक्ट मोड में हम कोई लाइन नंबर प्रोसीड नहीं करते, जैसे ही हम कोई चीज़ शुरू कर टाइप करते हैं उसकी फौरन रिजल्ट आ जाता है, और इनडायरेक्ट मोड में हम प्रोग्राम लिखते हैं और हर लाइन की हर स्टेटमेंट का एक लाइन नंबर होता है, हर स्टेटमेंट को एक लाइन नंबर देते हैं। आज का टॉपिक यही था हमारा, इसलिए आप लोगों ने इस तरीके से याद करना है, ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।